वर्ल्ड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूथ के लिए तो बहुत कुछ कर रही है, और ये कुछ आप देख रहे हैं सब यूथ के लिए ही है। ये जो वुमेन इंडस्ट्रियल टेक्निकल जो इंस्टीट्यूट है, ये हमारा वर्ल्ड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोजेक्ट है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ 63 ट्रेड से ज़्यादा मुख्तलिफ फील्डों में बच्चों और बच्चियों को हम काम सिखाते हैं जी सर। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद उनकी जॉब का भी इंतज़ाम करते हैं। तो आपका ये कहना कि वर्ल्ड वुमेन क्या कर रही है, तो ये आप देखें कि आपके सामने क्या हो रहा है। ये देखें, ये वुमेन इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट नाम ज़रूर है, लेकिन ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए हम काम कर रहे हैं, वुमेन बिरादरी के लिए नहीं है सिर्फ, ये पूरे कराची में, सिंध में और चारों सूबों में रहने वाले तमाम लोगों के लिए हम ये काम कर रहे हैं। अच्छा सर, आप ये बताएं कि मजीद जो है इसके लिए आप क्या प्रोग्रेस समझते हैं कि क्या और हो सकता है, और इसके लिए और बेहतरी क्या कर सकते हैं? देखें, हम इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि जिस तरह का ये हमारा वुमेन इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, इसको मजीद हम कराची के अंदर और फैलाएँ और सिंध और चारों सूबों की तरफ, यानी हम एक चैन बनाना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान के लिए, और इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द हो। थैंक यू सो मच सर। बहुत सर, क्या समझते हैं आपके यहाँ से जो बच्चे फारिग होके जाते हैं यहाँ पर, उनको ऑन द डे क्या उनको कितने परसेंट लोगों को जॉब मिलती है? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये आज ही तकरीब है, इसमें 77% लोग जॉब पे जा चुके हैं। 3000 लोगों में से जो 2000 बच्चे जिन्होंने स्कॉलरशिप से फ़ायदा उठाया और नॉन फंडिंग से फ़ायदा उठाया, 77% बच्चे जॉब पर जा चुके हैं, और बाकी के लिए आज ये जॉब फेयर लगाया था हमने। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बाकी भी ये फुलफिल हो चुकी होगी सारी की सारी। सर, आपका इदारा बहुत अच्छा है, और हम ये समझते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छी यकीनन तालीम दी जाती होगी, मगर जो दूर रहते हैं बच्चे उनके लिए कन्विंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, तो उसके हल के लिए भी आपने कुछ सोचा है? देखें, मैंने इसलिए कहा कि कराची में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हम वुमेन इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट मिट्टी खोलने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखें, तालीम अगर लेनी है तो हमें तो ये हुक्म है, अगर चीन तक जाना हो तो चीन तक भी जाएं। तो ये तो कराची शहर है, ये तो कहाँ है, ये दूर तो नहीं है, लेकिन बहरहाल हमारी कोशिश ये है कि हम जल्द से जल्द कराची के और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हम जो है वो उसको फैला दें। बहुत शुक्रिया।